नांदेड़ जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया गया तीज उत्सव। जिले के हजारों बंजारा तांडों में हुआ तीज उत्सव का शानदार समापन। तीज उत्सव बंजारा समुदाय के लिए एक पवित्र ऐसा पर्व है। सावन के महीने में इस पर्व को हर्ष उल्लास के साथ और बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में गीत संगीत की दावत दर्शकों को होती है। इस उत्सव का सौंदर्य जो दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर बसे हुए बंजारा समुदाय के तांडे हैं, वहां पर इसका सुंदरता आपको दिखाई देगी। डफरा नामक एक चर्म वाद्य होता है, उसकी धुन पर जब स्त्रियां परंपरागत वेशभूषा करके आती है तो जब का दृश्य काफ़ी रोमांचित करने वाला होता है। गीत संगीत बंजारा समुदाय की एक विरासत है, अमूल्य ऐसी विरासत है, और उसका निर्वहन बंजारा तांडों में बंजारा समुदाय के लोग आज भी कर्मठता के साथ करते आ रहे हैं। कल नांदेड़ जिले के हर एक तांडों में बंजारा तीज उत्सव का इस पवित्र पर्व का शानदार ऐसा समापन हुआ। तीज उत्सव ये पर्व लगातार 9 दिन तक चलता है। शुरुआती दौर में पलाश के पत्तों में काली मिट्टी लाकर उसमें गेहूं के बीज बोए जाते हैं। खास तौर पर ये काम कुंवारी लड़कियां करती हैं। तीज उत्सव ये मातृसत्ता पद्धति का एक प्रतीक है। 9 दिन तक कुंवारी लड़कियां गीत गाकर और घर घर जाकर गेहूं के इन बीजों को सींचती है, और ये काफ़ी पवित्र ऐसा त्यौहार है। और मान्यता ये है कि इस पर्व उत्सव में, इस तीज उत्सव में जब कोई कुंवारी लड़की अपने समर्पित भाव लेकर इस गौरी माता का पूजन करती है और उसकी जो मनोकामना होती है, उसकी जो मन्नत होती है, वो उसे माता उसको आशीर्वाद देती है और उसकी मन्नत पूरी होती है, उसको अपना इच्छित वर मिलता है। ऐसी एक पुरानी परंपरा है। और तीज उत्सव का खास जो सौंदर्य होता है उसी बंजारा तांडों में ही आपको दिखाई देगा। देखिए कितनी एकाग्रता के साथ ये महिलाएं डफड़े की धुन पर